को आते क्या पूरे कंप्लेंट देने आए तो यहाँ बुला चूसने आया। कौन दिया आपको ये बात, कौन बोले आपको? मेरे को यहाँ पीएस में बोले साहब, मेरे को पीएस आपके पास कुछ एविडेंस है? मेरे पास है वीडियो, है वीडियो है बोलने के बाद। धंधे से हमारे 5 लाख रुपए भी गए कम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों पे कोई हाथ उठा लिया, कोई गाली गलौज करे, मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं जय सिंह सीपी साहब, मैं घर पे था, घर पे रहने के बाद में बच्चे बोलने लगे कि साहब मुंह पे आए तो गाली गलौज कर रहे, बोले तो मैं निकल कर आया। आने के बाद में मैं जा रहा हूँ तो उन्हें बच्चे बोल रहे बुल्ला पकड़ा था, बोलाना भाई पकड़ा था, तैर तैर वो तो जब भी आया मैं। आने के बाद में पाचा खतरी साहब से मैं फोन करवाया, फिर अपने क्या नाम है साहब हरपाल साहब से फोन कराने के बाद में सीआई साहब बोल रहे कि भाई तुम्हारा जो भी है फाइनल मैं कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो बोल के मेरे को समझा रहे, माफी चाहते और मैं उनसे माफी चाहने लगा। तो बोला मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम एक नहीं चार केस हुए मेरे बच्चों के ऊपर यहाँ पे। मैं एक जिम्मेदार इंसान, मैं ये सिंगरेनी कॉलोनी पारजी लोगों का प्रेजेंट, मैं कई लोगों को यहाँ से चुरा लेके जाता हूँ। आज मेरे बच्चों के ऊपर इनसे पहले भी क्या की तो चोर बोल के मारे मेरे बच्चों को, उनके बाद में एक ऐसा ही एक कॉन्स्टेबल मेरे बच्चे को मारा। जब भी कंप्लेन करा मैं, जब भी मेरे को कॉम्प्रोमाइज में ला लिया, आज भी कॉम्प्रोमाइज में लाओ बोलो तो मैं एक इज्जतदार इंसान की बच्चों को मार के कॉम्प्रोमाइज करो वो तो कैसा होता? ऐसा धंधे से हमारे 5 लाख रुपए भी गए कम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों पे कोई हाथ उठा लिया, कोई गाली गलौज करे, मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं जय सिंह सीपी साहब भाई, हम लोग सैदाबाद पीएस को आए थे, तो सैदाबाद पीएस को मैं आज इनके संगात आया। मैं ऑलरेडी 20 को 18 को मैं कंप्लेंट दिया था, जब देने के बाद मेरा डीजे का एक स्पीकर और करंट का बोर्ड था, देने के बाद उन्होंने बोले इंक्वायरी कर रहे हैं बोल के बोले। आज को 10 से 15 दिन हो गए इंक्वायरी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, उन लोगों को पीने वाले कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग मारे तो हम लोग के ऊपर आता बोल के बोल रहे। तो अब इनका आज इनका भी सामान चलेगा, जिसका उन लोग कामा करते थे उनका भी सामान चलेगा, तो ये सामान खाली चलेते जाते जाएगा क्या? अब पीएस को आए तो क्या बोल रहे हैं, बुल्ला पकड़ने आए, वो पकड़ने आए, ये कर देंगे। उसने आया क्या बोल रहे इधर पुलिस वालों की यही बात है क्या? रिक्स पेड देने का कोई भी एक मजबूरी को आता पीएस में बात करने के वास्ते? और गालियां देने के बाद में भाग गया भाई, गालियां देके निकल गया। अगर उन्होंने गाली नहीं देता था तो कहीं को रुक के बात करता था। वीडियो बताओ। मेरा नाम विजय है, मैं शाहजहाबाद पीएस में आया था कंप्लेन देने के लिए। मेरा बैंड का सामान चोरी गया शंकेश्वर बाजार में, वहाँ से मैं 100 को कॉल डायल करने के बाद उन्होंने कंप्लेंट लेके पीएस को मेरे को ये करे, यहाँ बुलाए मेरे को, बुलाने के बाद मैं कंप्लेंट दिया यहाँ आके। कल वो आदमियों को पकड़ के लेके आते बोल के बोले, नहीं लेके आए, मैं ही खुद पकड़ के लेके आया। कल एक जने को लेके आया, 3 जनों को लेके आया। आज सामान में आने के बाद वो मेरा सामान पूरा 49 मेंबर्स का गया, यहाँ लेके आया 4 जनों का। वो भी लेके आके क्या बोल रहे, ये आपका है बोल के क्या प्रूफ है? मैं बोला इसको निकालो, इसके नीचे मेरा प्रूफ रहता बताता हूँ बोल के बोला। मेरे को पीएस में यहाँ गलीज गालियां दे रहे इधर, वो ये बोल के अरे तुझे मार दिए इधर, पीएस को नहीं आना, पीएस को बुल्ला चूसने को आते क्या पूरे कंप्लेंट दे दिया आपको? ये बात कौन बोले आपको? मेरे को यहाँ पीएस में बोले साहब, मेरे को पीएस आपके पास कुछ एविडेंस है? मेरे पास है वीडियो, है वीडियो है, बोलने के बाद मैं वीडियो भेजाया, मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, मुँह कर रहा हूँ, तो उन्हें गाड़ी लेके चले गए। वालों को बुलाता हूँ बोला तो भाग गया है, गाड़ी पे बिठा के भिजा दिए। हमारे को फ्रेंडली पुलिस बोल रहे, कहाँ है फ्रेंडली पुलिस? मैं सीपी साहब को कंप्लेन देना चाह रहा हूँ कल सुबह में। तो आपका कितने का सामान चोरी हुआ? मेरा नको वो तो 70-80 हजार का सामान चोरी गया मेरा। मैं आके कंप्लेन देने आया तो इन लोगों का रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं ले रहे, कैमरे भी नहीं चेक करे। वो है सो वालों को मालूम करके वो बाजू वाले बोले मेरे को, इन लोगों तुम्हारा सामान निकाले बोल के उनको पकड़ के मैं ही पीएस को लेके आया। 2 दिन से मैं पागल की जैसा फिर रहा हूँ, आज मेरे को कंप्लेन लो तुम, अरे तुरे बोल के बोल रहा हूँ, बुरा हंगामा कर, मेरे गालियां दे दे के हाथ उठाने आया मेरे पे। तो क्या करना है पुलिस वाले, वो तो अपने को एक क्या है अपना रक्षा है, अपन क्या अपना फ्रेंडली पुलिस किसको बोले? सीपी साहब बोलते फ्रेंडली पुलिस बोलते, मेरे यहाँ फ्रेंडली पुलिस नहीं है। सैदाबाद पीएस में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, कौन भी एक्शन नहीं ले रहे इधर पुलिस स्टेशन। गली गाली देने के बाद उन्होंने नीचे उतर के चले आ रहे थे, मैं रोका साहब आप गाली दे रहे, आप कहाँ जा रहे, आप ठहरो बात करो वो तो गाली दे रही है बात करो, उन्होंने निकल के चले आ रहे। देखो मेरे पास वीडियो है, उनको प्रूफ है, मैं बताता हूँ। देखो రికార్డింగ్ ఉంది, మీరు మొట్ట ఇప్పిస్తా అని చెప్పిన కదా చూపెడతాను నేను గాడిలో వీడియోలో
ऐसा गाली दे के करके ऐसा गाड़ी ले लेके चले गए, उन्होंने पीएस में भी नहीं अब तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं लिया, और क्या कि उल्टा अपन कंप्लेंट देने आया तो अपन को उल्टा ये करके गाली दे के करके पूरा ये कर दिया, हमारे पूरा इज्जत निकाल दी है। सामान आपका है बोल के जब आप उनको बताए तो उसके बाद क्या बोले पुलिस वाले? नहीं उन लोगों उनको एक्शन आपका नाम लिखा हुआ है क्या सामान के ऊपर, आपका क्या है आधार कार्ड के नाथ कुछ प्रूफ है क्या उसके ऊपर, ये बोल रहे क्या कचरे का सामान उठा के लेके आके होगा बाजे के सामान पे नाम लिख के रखे, घर के सामान चोरी गया तो घर का सामान इंसान नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानता भाई, और कौन पहचानेगा, घर में हमारा घर में का सामान है, मैं चोरी गया तो मैं नहीं पहचाना तो होने पहचानते कैमरे वहाँ कैमरे चेक कैमरे चेक दो दिन से कैमरे बंद है बोल के बोल रहे हैं वहाँ की हमारी गलती नहीं हम ना क्या करना कैमरे बंद है वहाँ के बोल रहे कैमरे प्राइवेट कैमरे है पुलिस के कैमरे पुलिस कैमरे है।